पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर द्वारा मलहनी विधानसभा उपचुनाव मतगणना एवं आगामी त्योहारों के दृष्टिगत थाना बक्सा के ग्राम सुल्तानपुर में पुलिस फोर्स के साथ ही क्षेत्र भ्रमण व पैदल गश्त किया गया। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की रिपोर्ट। कौन कौन से प्रमुख त्यौहार है, कब तक ये चलेगा, कब शुरू अभियान है, कब तक चलेगा? देखिए हमारे मुख्य इस समय अगर आप आने वाले समय में देखें तो हमारा धनतेरस और दीपावली का त्यौहार है। उसके अलावा 10 तारीख को मलहनी उपचुनाव की मतगणना होनी है। इसके दृष्टिगत शांति व्यवस्था और त्यौहारों के चलते लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग दिनों में अलग अलग सीनियर ऑफिसर CO एडिशनल SP और स्वयं मेरे द्वारा जाकर के एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज की जा रही है। मुख्यतः हमारे वर्तमान में अगर आप देखें तो कल हमारे सराय ख्वाजा सिकरारा बक्सा उसके अलावा लाइन बाजार कोतवाली इन एरियाज़ में रूट मार्च की गई थी जिसमें सीनियर ऑफिसर्स गए थे और आज भी विभिन्न सर्कल मुख्यालयों पर और आने वाले दिनों में हमारे द्वारा ये रूट मार्च की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा त्योहारों के दृष्टिगत हमारे द्वारा HS की निगरानी करना, उनकी तस्दीक करना और विभिन्न जो हमारे पुराने गुंडा एक्ट या गैंगस्टर एक्ट में लोग गए थे उन सब की तस्दीक करने की भी कार्रवाई लगातार तौर पर चल रही है। जनपद में कितने ऐसे क्रिटिकल प्लेस है जहाँ फ्लैग मार्च किया जाना है त्यौहार को देखते हुए? देखिए ऐसे हर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं, उनकी ठीक संख्या आपको इस समय मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट हमें ये कह सकता हूँ कि हर थाना क्षेत्र में जो भी हमको लगता है क्रिटिकल हैं और खास करके उस थाना क्षेत्र के जो कस्बे के इलाके हैं उसमें त्योहारों को के दृष्टिगत हमारे द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी किया जा रहा है, ये रूटीन प्रक्रिया है जो लगातार हमारे द्वारा हर शाम को आप लोग देखते होंगे जो हमारे द्वारा मीडिया ग्रुप में भी साझा की जाती हैं तस्वीरें, तो हमारे द्वारा लगातार ये फ्लैग मार्च और ये डोमिनेशन फुट पेट्रोलिंग लगातार चलती रहती है।